पंजाब में अपनी मांगों को लेकर किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चौथे दिन भी पंजाब के कई जिलों में किसान अपनी मांगों को लेकर मोर्चे पर डटे हुए हैं। कई टोल प्लाजा पर किसानों ने जाम लगा दिया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को भी किसान जत्थेबंदियों ने कई जगहों पर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और हाईवे को जाम कर दिया। हालांकि प्रशासन की ओर से किसानों को समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है, बावजूद इसके किसान सड़कों पर डटे हुए हैं। वहीं सीएम भगवंत मान भी किसानों से अपील कर चुके हैं कि किसान शांति बनाए रखें, उनकी सभी मांगों पर विचार किया जा रहा है। तो किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है, अपनी मांगों को लेकर टोल प्लाजा पर ये किसान डटे हुए हैं। संवाददाता विजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय, विस्तार से जानकारी दे, किसानों का धरना प्रदर्शन आज भी जारी है, क्या स्थिति है इस वक्त? जी रेनू, बिल्कुल धरना प्रदर्शन जारी है, पिछले कई दिनों से जारी है, लेकिन जो स्थिति है इस वक्त शांत बनी हुई है। जी किसानों का क्या कहना है विजय, अपनी मांगों के मद्देनजर कब तक वो यहाँ पर बैठे रहेंगे? क्या प्रशासन और उनके बीच कोई बातचीत हो रही है, कोई सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, कल जो मुख्यमंत्री भगवंत मान का जो बयान आया था, उसके बाद जो है किसान जथेबंदियां और भड़क चुकी हैं, लेकिन जो माहौल है वो प्रदर्शनों का, वो शांतमय माहौल है इस वक्त। और जथेबंदियों का खास तौर पर यही कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। चलिए विजय, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। संवाददाता विजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे। किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है, चौथे दिन भी ये सभी किसान मोर्चे पर डटे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर टोल प्लाजा पर ये किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।